नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। तो भाई आज आपके सामने खड़ा है TVS का एंटॉक। ये नॉर्मल एंटॉक नहीं है भाई, ये कुछ नया एंटॉक है। एंटॉक नया क्या है अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आओ, ये आपको दिख गया नया 125 XT। XT मीन्स एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी कह लो या टेक से कह लो, स्मार्ट एक्स कनेक्ट इसके अंदर पहले से आता था। तो इस गाड़ी के अंदर ग्राफिक्स देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि जो इसका येलो कलर है ये नियॉन येलो के अंदर आता है, जो कि एक रिफ्लेक्शन इतना प्यारा मारता है ना, बहुत प्यारा कलर, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा है। देखो आंखों से मैं जज करके बता रहा हूँ, बाकी जो ये मैट फिनिशिंग में है। अब मैं गाड़ी को ना एक सामने से आपको दिखा दूँ कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं। एज यूजुअल आपको मिल जाएंगे भाई डे टाइम रनिंग लैंप्स विद LED हेडलैम्प, जिसके अंदर हाई बीम लो बीम सब आपको LED में मिलेगा। ये ड्यूल टोन के अंदर आपको मडगार्ड मिल जाएगा। आप चेक करते हैं ये प्लास्टिक में है या फिर मेटल में, तो भाई ये है प्लास्टिक में। और फ्रंट के टायर भाई एंटॉक के मुझे शुरू से ही पसंद आए हैं, तो इसके अंदर जो टायर प्रोफाइल है वो मैं देख के बता देता हूँ कि टायर की प्रोफाइल क्या है। अच्छा, TVS अपनी गाड़ियों में ना या बाइकों में, मैं बता दूं आपको, तो अपनी ही कंपनी के टायर देता है, TVS के देता है, जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। 10-80-12, तो 12 इंच का इसके अंदर फ्रंट में टायर आ जाता है, जिसके अंदर आपको मिल जाएगी डिस्क ब्रेक। और डिस्क ब्रेक भी भाई काफ़ी ज़्यादा रोटर पैडल बोलते हैं ये वाला डिज़ाइन इसको, क्योंकि ये जब डिस्क ब्रेक लगती है तो यहाँ से एयर पासिंग रहती है, डिस्क गर्म नहीं होती और ये बहुत इफेक्टिवली काम करती है। अब आ जाते हैं इस साइड, देखो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। अलॉय भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजुअल बढ़िया दे रखे हैं। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आता है, जो कि स्कूटीज के अंदर पहले नहीं आया करता था, बट इसके अंदर शुरू से ही आया है, इसीलिए एंटॉक जानी जाती है अपने नाम से। अब आ जाते हैं ग्राफिक्स की बात करें, तो भाई ग्राफिक्स इसके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। साइड में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मतलब नियॉन कलर एक नियॉन पल्सर में आता था, लेकिन अब मेरे को इसमें भी दिखा है। RT यहाँ पे FI मतलब फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी आती है, और ये RT रेस ट्यून्ड है। तो TVS की शुरू से खासियत रही है कि भाई उसने पहले RTR निकाला, अब RT एंटॉक के लिए निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया। अब इधर की साइड आ जाए, फ्लैट फुट मिल जाता है, जो कि जैसे अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी का देखो, इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, बट आपका ओला के अंदर फ्लैट फुट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप फ्लैट से कुछ भी रख सकते हो, काफ़ी बढ़िया चीज़ है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। ये देखो यहाँ पे भी, मतलब आप पुरानी स्कूटीज देख लो, सामने से डिज़ाइन मिल जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ ना आपको यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अंदर भाई पीछे की तरफ भी आपको अर्गोनॉमिक्स कट दे रखे हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे एक दे रखा है भाई आपको कुछ सामान टांगने के लिए, छोटा सा हुक दे रखा है, जिसके अंदर ऐसे करके आप सामान टांग सकते हो, मतलब डेली यूटिलिटी पर्पज़ आपका पूरा हो जाएगा। और इस पे वेट भी लिखा हुआ है, 3 किलो तक का सामान आप इस पे टांग सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। अब इधर की तरफ आ जाओ, ये देखो नियॉन कलर कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, जो कि भाई आई कैचिंग कलर सबसे बढ़िया मुझे यही लगा। 125 cc का इंजन आता है इसके अंदर, तो 9.3 PS की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सिंगल सिलेंडर इंजन होता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ पे देखो ये इसकी खासियत, एंटॉक के अंदर जो इसका भाई पेट्रोल लीड है, जो इतना ज़्यादा मतलब प्रीमियम बनाया गया है। और ये कभी कभी ना दूर से देखने में ऐसी लगती है कि जैसे बाहर से टेपिंग करा रखी हो, लेकिन भाई टेपिंग नहीं है, ये है वही, मतलब पेंट ही है। और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, अपाचे 162V के अंदर जो आपको पीछे ग्रैब हैंडल मिलते थे, वो सेम ग्रैब हैंडल इसके अंदर दे दिए गए हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। 3D के अंदर एंटॉक लिखा हुआ है सीट, और अभी इसका जो मेन चीज़ है ना वो तो हम बात करेंगे ORVM। और यहाँ की तरफ इसका ये देखो पूरा का पूरा जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले क्या आता था, सिंगल डिस्प्ले में था, लेकिन अब इसके अंदर भाई डबल डिस्प्ले आ गई है, उसके बारे में भी भाई डिटेल से बात करेंगे। यहाँ से भाई आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ से हजार्ड लैंप नीचे की तरफ आपका, ये देखो कुछ नया दिखा आपको, यहाँ पे सेल्फ भी है और ये वॉइस कमांड के लिए भी है भाई, तो ये वॉइस कमांड को भी भाई फॉलो कर दी है। यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, इंडिकेटर कंट्रोल्स, एंड देन आपके हॉर्न से रिलेटेड कंट्रोल्स। अब आ जाते हैं सीट के नीचे, देखते हैं भाई सीट के नीचे आपको कितनी जगह मिलती है इसके अंदर और कितनी नहीं। तो भाई ये कुछ मिलता है एंटॉक 125 XT का बूट स्पेस आपको। अब इसके अंदर देखो क्या क्या बढ़िया, देखो OBD के लिए अलग से पोर्ट दे दिया, बहुत बढ़िया। चेसिस नंबर ऊपर ही दे दिया, तो आप अपने चेसिस नंबर खुद पहचान सकते हो। देखो जब ये रजिस्ट्रेशन के वक्त काम आती है, RC पे भी सेम ही मिलेगा। यहाँ मिल जाएगा आपको एक USB का चार्जर, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि USB चार्जर यहाँ पे दिया गया आपको फ़ोन ऑन चार्ज करने के लिए, और बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखो लिखा है डू नॉट चार्ज व्हेन इंजन इन ऑफ, तो इंजन जब ऑफ हो तो चार्ज मत करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बूट स्पेस मिल जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, टूल किट मिल जाएगी, फर्स्ट एड किट मिल जाएगी और बुकलेट मिल जाएगी, तो ये कुछ इस प्रकार करके काफ़ी बड़ा स्पेस दे रखा है इसके अंदर। तो भाई और यहाँ पे देखो कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स रखने हो तो यहाँ पे छोटे छोटे टच है, काफ़ी बढ़िया है। ये हेलमेट को रखने के लिए जगह है,
अब आते हैं भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। ये देखो भाई, यहाँ से जैसे ये मोड़ के नीचे बटन दे रखे हैं, यहाँ से जैसे मैं इसे चेंज करूँगा ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई, और स्पोर्ट्स मोड पे भाई टाइम आ जाता है, डेट आ जाती है, ये डेट आप सेट कर सकते हो, ठीक है, राइडिंग और पूरा का पूरा आरपीएम, बीच में स्पीड, पूरा स्पोर्टी मॉड्यूल हो जाता है। दूसरा मोड आता है भाई बैटरी वोल्टेज, आप इसके अंदर कितना बैटरी वोल्टेज है वो आप चेक कर सकते हो, उसके लिए आपको बैटरी खोल के मल्टीमीटर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आते हैं भाई राइट स्टैट्स, इसके अंदर आपके लास्ट लैप कितना था, 0 to 60 कितने में गई, तो ये टोटल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। और बेस्ट लैप आपका कितना, कितने टाइमिंग में रहा। स्ट्रीट मोड में आपको भाई इको 100% पावर इतना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने में मज़ा आएगा भाई, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन भी इसके अंदर आते हैं भाई, तो आप मतलब फ़ोन निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा भाई हर किसी का मैसेज आया, कॉल आया है, सब आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारी बात है भाई। इसके डिस्प्ले को देख के मेरे को कुछ जो TVS Raider है उसकी नई वाली डिस्प्ले की याद आ रही है, तो बहुत जल्द उसका भी आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो भाई इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 119,000 है, और ये खड़ी है भाई आपके मल्टी व्हीलर टू व्हीलर शोरूम पे, ठीक है, जिसका एड्रेस मैं आपको पिन कर दूंगा, मोहन गार्डन में ये शोरूम है, तो आपको आना है। ये गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल खड़ी है, चेक करो, चला के देखो और उसके बाद लेके जाओ, ठीक है, शोरूम से बेस्ट डील मिल जाएगी आपको, इस चीज़ की मेरी श्योरिटी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी, आप बोलो तो एक बार एग्जॉस्ट नोट और सुना देता हूँ आपको इसका मैं। ये देखो भाई कितना थर्ड वाला साउंड आ रहा है इसके अंदर, बहुत ही थर्ड वाला साउंड आ रहा है, बहुत हैवी, मतलब ये देखो यहाँ पे जो ग्राफिक्स हैं इसके, इसके मज़े देखो, पूरा रेसिंग फील आप ले सकते हो इस स्कूटी के साथ, मतलब जिसको एक स्कूटी भी चाहिए और रेसिंग फील भी चाहिए वो ले सकता है भाई एंटॉर्क। ये देखो सामने की तरफ LED है, इतनी प्यारी लगती है, ठीक है। तो यही करता हूँ वीडियो का एंड, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो मैंने शोरूम की डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।